जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ. उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा. तो मैं भी झुक गया. तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है. मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे. तो कहते नहीं आप मेरे पिता समान हैं. तो मैं काफी गदगद हो गया. बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया. कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो. ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहां इतनी ठंड नहीं है, वहां उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सबकी हेल्थ कैसी रही यहां से चाहे वहां पे भी? हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर. हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया. उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहां लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया. हमने दो छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा. लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहां जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी बोल रहे थे कि जब वहां से निकल रहे थे. तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है अब भारत की टीमें आ चुकी है. इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना. 72 घंटे से ज्यादा वो मलबे में दबी हुई थी. पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए. और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ. भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है. उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया. जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा और किसी और से ज्यादा ही करेगा. हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी. देश कोई भी हो अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है. ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे. क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की. लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे. तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए हम देख रहे हैं. और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की. ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है. आप में से किसी की जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई आप आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ. ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है. पहली बार गए होंगे जी सर. आप में से कहीं होगा तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा.